सब्सक्राइब कीजिए एक्यू टेक हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों आप जो है एमएस एक्सेल में जो है शीट टैब को जो है कैसे हाइड कर सकते हैं और कैसे अनहाइड कर सकते हैं, तो वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, आप जो है एक्सेल ओपन करने के बाद आपकी जो शीट टैब है यहाँ पर, कोई भी एक शीट टैब के ऊपर राइट क्लिक कर आपको जिसको हाइड करना है आप उसके ऊपर राइट क्लिक कर यहाँ पर हाइड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको उसको अनहाइड करना है तो दोस्तों आपको जो है कोई भी एक शीट के ऊपर राइट क्लिक कर यहाँ पर अनहाइड के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर आपको जो है यहाँ पर आपने जितने भी शीट हाइड किए थे आपको जो है यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक ही शीट जो है हाइड किया था, तो अभी यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शीट जो है अनहाइड हो गई है। दोस्तों, अगर आपको जो है एक साथ पूरे शीट्स को जो है हाइड करना है और आपको जो है हाइड करते हुए आपको जो है अपनी शीट को यूज़ करना है, तो आपको जो है यहाँ पर ये जो लोगो दिख रहा है एमएस वर्ड का, इसके ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर एक्सेल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर एडवांस के ऊपर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, फिर आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कशीट, तो आपको जो है यहाँ पर शो शीट टैब्स के ऊपर जो है अनचेक कर देना है। इस बॉक्स में अनचेक करने के बाद आप जो है यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो है नीचे से पूरे शीट जो है हाइड हो गए हैं, तो आप इसको जो है यूज़ भी कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप इस तरीके से जो है आप शीट को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भी न मत जाना, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरह एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में और कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।